नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक यानी कि मजदूर कैसे हर महीने 3,000 रुपए कमा सकते हैं, आइए हम इस वीडियो में आगे जानेंगे विस्तार से। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब असंगठित क्षेत्र में श्रमिक चाहे तो हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। सरकार की इस योजना के तहत घरों में काम करने वाले मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर तक इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मौत हो जाती है तो इनकी पेंशन की 50% धनराशि उनके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है, जिसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 60 साल की आयु पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मुहैया कराई जाएगी। सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इसी योजना के तहत 4 मार्च 2021 तक करीब 44.90 लाख श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के ऐसे श्रमिक शामिल हो सकते हैं जिनकी महीने की आमदनी 15,000 रुपये से कम है। कौन करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? पीएम-सिम योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये महीने का निवेश किया जा सकता है। इसे 18 साल की उम्र के लोग हर महीने 55 रुपये और 30 साल से कम उम्र के लोग 100 रुपये, जबकि 40 वर्ष से की आयु वाले 200 रुपये महीने देने होंगे। अगर किसी श्रमिक की आयु 18 साल है और उसने पीएम-सिम योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसे एक साल में मात्र 660 रुपये जमा करने होंगे। इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को 60 साल की उम्र तक 27,720 रुपये जमा करने होंगे। उस श्रमिक को 42 साल तक अपना पैसा जमा करना होगा। ऐसे में श्रमिक की आयु 60 साल होगी तब उस व्यक्ति को 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। भारत सरकार की इस योजना को भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से चलाया जा रहा है, इसलिए इस पूरे पेंशन का भुगतान भी LIC के द्वारा ही किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दस्तावेजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी, उसके बाद IFSC कोड के साथ सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर सेविंग अकाउंट नहीं है तो आप जनधन अकाउंट भी उसमें लगा सकते हैं। तीसरा, आपका वैध कोई मोबाइल नंबर होना चाहिए। आखिर हम बताएंगे आखिर आपको कि कैसे और किस तरह से हम इसका आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की वेबसाइट पर या फिर किसी नज़दीकी कॉमर्शियल सर्विस सेंटर पर इस योजना के बारे में पता करना होगा। वहां पर आप बताए हुए दस्तावेजों के साथ जाएं। इसके साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि आपके पासबुक में IFSC कोड छपा हो। आप अपना रजिस्ट्रेशन CSC पर करवा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम EPFO या फिर केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आप आवेदन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ राज्यों में श्रम विभाग खुद ही इसमें पंजीकरण के लिए अभियान चला रहा है। इस योजना को लेकर किसी तरह की परेशानी होने पर विभाग की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है। वह नंबर है 1800-2676-888। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि EPFO, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।